रोहित शर्मा को आईपीएल 2025 का सीजन सीएसके से खेलना चाहिए, और अगर तब तक एमएस धोनी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो रोहित शर्मा इस टीम की कप्तानी भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये स्टेटमेंट दिया है अंबाती रायडू ने, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर किसी और टीम में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर वो टीम सीएसके होगी तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब इस साल आईपीएल ऑक्शन से पहले प्रोबेबली आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड सामने आया जब गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को मुंबई के साथ ट्रेड करने का फैसला किया, और इससे भी बड़ा अनाउंसमेंट तब आया जब मुंबई इंडियंस ने 5 बार ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला ले लिया, और इसी के साथ उन्होंने जिन हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया था गुजरात के साथ, उन्हें ही नया कप्तान बनाने का एक और बड़ा फैसला लिया। अब आई थिंक सोशल मीडिया पर किसी भी क्रिकेट फैन या आईपीएल फैन को ये दोनों ही फैसले समझ नहीं आए, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और सभी फैंस ये बात जानना चाहते थे कि इन दोनों बड़े फैसलों के पीछे क्या वजह रही होगी, क्योंकि एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसको डेब्यू सीजन में ही हार्दिक ने चैंपियन बनाया, दूसरे सीजन फाइनल तक लेकर गए, फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि इस टीम ने इस ऐसे खिलाड़ी को या कहें अपने ऐसे कप्तान को ट्रेड करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जो कि मुंबई को आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम बना चुके थे, 5 बार ट्रॉफी जिता चुके थे, फिर उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब किसी फैन के पास नहीं था, और एक बहुत बड़ा विवाद सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ जिसमें रोहित की वाइफ ऋतिका सचदेव भी आई और भी कई फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी राय इस पे बात पर दी। लेकिन अब अंबाती रायडू को फाइनली ऐसा लगता है, जो कि दोनों टीमों से खेल चुके हैं, यानी अंबाती रायडू जो कि एमआई से भी खेल चुके हैं, सीएसके से भी खेल चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि रोहित को मुंबई का साथ छोड़कर अब सीएसके के लिए खेलना चाहिए। रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अभी भी चाहे तो 5 से 6 साल आईपीएल बड़े आराम से खेल सकते हैं। ऐसी कोई भी टीम नहीं होगी जिसके लिए रोहित शर्मा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। वो चाहे तो जिस भी टीम के साथ चाहे जुड़ सकते हैं और जिस भी टीम के साथ चाहे उसकी कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में रोहित शर्मा को सीएसके के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि तब तक अगर एमएस धोनी रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है सीएसके को लीड करने का। इसके अलावा उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के डिसीजन को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आई थिंक मुंबई ने थोड़ी सी जल्दबाजी की है अभी हार्दिक को कप्तान बनाने के लिए, क्योंकि अभी भी रोहित शर्मा टीम इंडिया के T20I कैप्टन है, और अगर टीम चाहती तो एक साल और रोहित शर्मा को खिलाती और उनकी कप्तानी के अंडर हार्दिक पांड्या को भी खिला सकती थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस का सेटअप बहुत अलग है और गुजरात टाइटंस का सेटअप बहुत अलग है। वहां पर आपको कई स्टार प्लेयर्स मिलेंगे जैसे सूर्यकुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, ईशान किशन हैं, तो इन सभी प्लेयर्स को या कहीं स्टार प्लेयर्स को हैंडल करना हार्दिक पांड्या के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि जब ये फैसला आया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का तो मुंबई के किसी भी बड़े खिलाड़ी ने उन्हें इस बात के लिए बधाई नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं है तो कप्तान कौन बनना चाहिए था? जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव या मे बी कोई सीनियर क्रिकेटर? लेकिन हार्दिक पांड्या जो फ्रेंचाइज का हिस्सा भी नहीं थे, उन्हें पहले ट्रेड किया गया और फिर उन्हें कप्तान बना दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है कि अब इन स्टार प्लेयर्स को हैंडल करना हार्दिक के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है रायडू ने कि क्या सच में वो मुंबई का साथ छोड़ेंगे और क्या सच में सीएसके जाएंगे, अब ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, क्योंकि आईपीएल 2025 में होगी मेगा ऑक्शन। जी हाँ, वही मेगा ऑक्शन जहां पर सभी टीमों को ऑक्शन से पहले सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 प्लेयर्स रिटेन करने की अनुमति दी जाएगी। तो अगर दोनों टीमों के स्ट्रक्चर को देखें, करंट टीम स्ट्रक्चर क्या नजर आता है, तो मुंबई के पास हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, सूर्यकुमार यादव है और ईशान किशन है। अब टीम चाहे तो रोहित शर्मा को रिटेन कर सकती है, लेकिन क्या रोहित शर्मा रिटेन होना चाहेंगे? स्पेशली जो कुछ उनके साथ हुआ है पिछले कुछ समय से, आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा अब रहना चाहेंगे मुंबई इंडियंस की टीम में। तो ऐसे में बहुत अच्छा मौका है कि मुंबई इंडियंस इस साल या कहें 2025 की ऑक्शन से पहले रिलीज कर दे रोहित शर्मा को। अब वो सीएसके में जा सकते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सीएसके के पास भी कोई फ्रंट रनर कैप्टन नहीं है जो कि धोनी के बाद टीम की कमान संभाल सके। जरूर रविंद्र जडेजा को एक सीजन में कप्तान बनाया गया था, लेकिन उस सीजन रविंद्र जडेजा ना ही एज अ कैप्टन और ना ही एज अ प्लेयर खुद को परफॉर्म कर पाए, जिसके बाद बीच सीजन ही सीएसके ने फिर से धोनी को कैप्टन बनाया और रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस में काफी हद तक सुधार देखने को मिला। तो अब आई डोंट थिंक वापस से टीम वही गलती करना चाहेगी और रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाना चाहेगी। इसके बाद कुछ यंग प्लेयर्स की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर हैं और कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कैंपेनर नजर नहीं आता है जो कि धोनी के लेवल का हो या धोनी के बाद टीम की कमान संभाल सके। तो इन ऑल लाइकलीनेस अब लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है अंबाती रायडू ने, ये कुछ हद तक सच होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मुंबई की टीम रिलीज कर दे रोहित शर्मा को तो सीएसके की नजरें जरूर उन पर रहने वाली हैं, क्योंकि धोनी के बाद सबसे सक्सेसफुल कैप्टन आईपीएल के रोहित शर्मा ही हैं, क्योंकि दोनों ने 5-5 ट्रॉफी जीती हैं और अब लगता है कि वो वापस जा सकते हैं सीएसके खेलने के लिए अगर रिलीज किया जाएगा उन्हें मुंबई टीम से। तो
क्या आपको भी लगता है कि राइडू के स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या सच में मुंबई रिलीज करेगी रोहित शर्मा को? और अगर रिलीज करेगी तो क्या सीएसके लेगी उनको आईपीएल ऑक्शन में? क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।